हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप जो स्क्रीन पर गुलाब जामुन देख रहे हैं, ये मैंने मैरीगोल्ड बिस्किट से बनाए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि मैरीगोल्ड बिस्किट से आप गुलाब जामुन घर पर इजीली कैसे बना सकते हैं। इसे बनाने में ना ही ज्यादा टाइम लगता है और ना ही ज्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगले रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ 10 रुपए वाले मैरीगोल्ड बिस्किट के पैकेट में जितने बिस्किट्स होते हैं उतने यहाँ ले लिए हैं। मैंने यहाँ मिक्सी का जार लिया है। इन बिस्किट को मुझे ग्राइंड करना है, इसलिए इन बिस्किट को मैं टुकड़े करके इस जार में डाल रही हूँ। आप चाहें तो मैरीगोल्ड बिस्किट के साथ साथ अगर आपके पास और कोई भी बिस्किट हैं तो उन्हें भी इनके साथ ग्राइंड करके उसके गुलाब जामुन बना सकते हैं। या चाहे तो सिर्फ पार्ले जी बिस्किट से भी आप ये गुलाब जामुन बना सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ मैरीगोल्ड बिस्किट लिए हैं। ये देखिए, मैंने इसके टुकड़े करके इस मिक्सी के जार में डाल दिया है, तो अभी मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इन बिस्किट को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसे एक बार मैं अच्छे से छान लूँगी, क्योंकि अगर बिस्किट का कोई टुकड़ा रह गया हो तो गुलाब जामुन फट सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। आप देख सकते हो यहाँ ये बिस्किट के टुकड़े रह गए थे, तो इसे मैं निकाल दूंगी। तो यहाँ बिस्किट का पाउडर बनकर तैयार है। इसे मैं आपको नाप के बताती हूँ कि ये बिस्किट का पाउडर कितना है। इस बिस्किट के पाउडर को नापने के लिए मैंने यहाँ मेजरमेंट कप लिया है। आप देख सकते हो ये बिस्किट का पाउडर जो है ये 1 कप से थोड़ा कम है। इसे मैं निकाल दूंगी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप से थोड़ा सा कम नारियल का बुरादा। इन्हें मैं अच्छे से मिला लूंगी। मैंने यहाँ मेजरमेंट स्पून लिया है। इसके एक साइड लिखा हुआ है 1/4 टीस्पून और दूसरे साइड पे जो लिखा हुआ है वो है 1/8 टीस्पून। तो यहाँ मैं 1/8 टीस्पून का जो आधा हिस्सा है उससे भी थोड़ा कम यहाँ मीठी सोडा ले रही हूँ। ये मीठी सोडा 2 चुटकी के जितनी है। इस मीठी सोडा को मैं इसमें डाल रही हूँ। मीठी सोडा डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब मैंने यहाँ 1/4 कप दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालती जाऊंगी और इसे गूंथ लूंगी। इस बिस्किट के पाउडर के हमें बॉल्स बनाने हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल रही हूँ। अगर यहाँ मैं ज्यादा दूध डाल दूंगी तो ये गीले हो जाएंगे। यहाँ मैंने 1/4 कप दूध पूरा डाल दिया है। इसे गूंथने के लिए मुझे थोड़ा दूध और लगेगा, इसलिए यहाँ मैंने 1/4 कप का आधा कप फिर से भर कर दूध लिया है। आप देख सकते हो 1/4 कप का आधा कप जो मैंने बाद में भर के लिया था उसमें से मेरा इतना दूध बच गया है। इसे मैं अच्छे से गूंथ लूंगी। इसे गूंथते समय अगर दूध थोड़ा ज़्यादा गिर जाए तो आप इसमें फिर से बिस्किट का पाउडर मिला दें। इसे मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। अभी इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, तो इसलिए मैं अपने हाथों पर तेल लगा ले रही हूँ और फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी।
जब आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे तो इसमें कोई क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, इसका ध्यान दें। ये देखिए मैंने यहाँ पे बॉल बना लिया है, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है। इसी तरह मैं छोटे छोटे बाकी के बॉल्स भी बना लूँगी। आप देख सकते हैं सारे बॉल्स यहाँ मैंने बना लिए हैं। इन बॉल्स को हमें फ्राई करना है, पर उससे पहले हम यहाँ चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 कप चीनी। और इस 1.5 कप चीनी में मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। इसे मैंने गैस पर रख दिया है। इसमें उबाल आने तक मैंने गैस के फ्लेम को मीडियम हाई रखा है। इसे एक बार अच्छे से चला लूंगी और इसमें उबाल आने तक इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है, तो अब गैस के फ्लेम को मैं लो कर दूंगी और चीनी को अच्छे से पिघलने दूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 इलायची। इलायची को भी इसमें अच्छे से मिला लूंगी। इस चाशनी को हमें 1 या 2 तार वाली नहीं बनाना है। आप देख सकते हो ये हल्की सी चिपचिप करने लगी है, तो ये चाशनी तैयार है। गैस को मैं बंद कर दूंगी। मैंने जो बॉल्स बना कर रखे थे उसे मुझे फ्राई करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ तेल गरम कर लिया है। तेल ना ही ज़्यादा गरम है और ना ही ज़्यादा ठंडा, इसे मैंने मीडियम गरम किया है। अब इसमें जो हमने बॉल्स तैयार करके रखे थे वो डालूंगी और इन्हें फ्राई कर लूंगी। जब हम इसमें बॉल्स डालेंगे तो गैस के फ्लेम को मीडियम हाई कर दें, और जब ये बॉल्स को हम फ्राई करेंगे तो गैस के फ्लेम को लो कर दें, ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। इन बॉल्स को मैं हल्के हाथों से चलाते जा रही हूँ। मैंने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है, आप कलर देख सकते हैं। इन गुलाब जामुन का कलर आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप इसे फ्राई कर लें। इसी तरह मैं बाकी के बॉल्स को भी आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये बॉल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इन्हें मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं बॉल्स बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, क्योंकि हमने बिस्किट को अच्छे से छान लिया था और सोडा हमने थोड़ी ही डाली थी। इन बॉल्स को चाशनी में डालने से पहले चाशनी जो हमने बनाई थी उसे मैं फिर से लो फ्लेम पर थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। चाशनी थोड़ी गर्म हो चुकी है, तो अब मैं इसमें बॉल्स डाल रही हूँ जिन्हें मैंने फ्राई कर लिया था। सारे बॉल्स मैंने यहाँ डाल दिए हैं और इन्हें डालने के बाद एक बार अच्छे से चला लूँगी। और एक उबाल आने तक इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी। आप देख सकते हो चाशनी में एक उबाल आ गया है, तो अभी मैं गैस को बंद कर दूँगी। ये गुलाब जामुन बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इन गुलाब जामुन को मैंने 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कितने फूल गए हैं और बहुत ही जूसी बनकर तैयार हो गए हैं। बिस्किट के ये गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं, और इन्हें बनाने में कोई झंझट नहीं होता। बहुत ही ईजिली आप इसे घर पर बना सकते हो। तो आप इन गुलाब जामुन को एक बार ज़रूर बना कर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें
कि आपको ये गुलाब जामुन कैसे लगे हैं।